सोनिया गांधी, जिनकी कमजोर हिंदी को लेकर विपक्षी नेता काफी मजाक उड़ाते थे, जिन्हें लेकर शुरुआत में लोग कहते थे कि किसी विदेशी के लिए भारतीय राजनीति को समझना असंभव है। क्या आप जानते हैं कि उन्हीं सोनिया गांधी ने 90 के दशक में कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाया था। इटली से शादी करके भारत आई गांधी परिवार के इस विदेशी बहू के नेतृत्व में ही कांग्रेस के यूपीए गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और पार्टी को चुनाव में जीत दिलवाने के बावजूद एक नहीं बल्कि दो बार उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी थी। और मनमोहन सिंह का नाम जो आगे किया था, तो आखिर कैसे शुरू हुई थी सोनिया और राजीव गांधी की फिल्मी लव स्टोरी? अपने पति राजीव को राजनीति से दूर रखने के लिए क्या कहती थी सोनिया, और कैसे वो राजनीति में खुद कदम रखती हैं, और क्यों विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सोनिया गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में देखा जाता है? आज जानेंगे सोनिया गांधी के जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियां। लेकिन उसके पहले नए दर्शक, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1965 से। एक इटली की रहने वाली लड़की जिसका नाम एडविज एंटोनिया अल्बिना माइनो था, जिसे पिता प्यार से सोनिया बुलाते थे, वो अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड आ जाती है, जहां अपना खर्च चलाने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेट्रेस का काम भी करती थी। उस वक्त भारत का एक 20 वर्षीय लड़का इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ता था। उस लड़के का नाम था राजीव, जो भारत के सबसे बड़े सियासी परिवार का वारिस था, लेकिन उसे राजनीति में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और अपना खर्चा चलाने के लिए वो भी आइसक्रीम बेचा करता था। एक दिन सोनिया अपनी सहेली के साथ कैंटीन में बैठी थी, तभी उनका दोस्त राजीव गांधी के साथ कैंटीन में पहुंचा और बातों बातों में दोनों को इंट्रोड्यूस कराया। बेहद खूबसूरत और विनम्र सोनिया को देख राजीव पहली नजर में अपना दिल हार बैठे, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने दूसरी मुलाकात में ही सोनिया को अपना दिल देने की बात कह दी। उस वक्त सोनिया कुछ नहीं बोली और बस एक प्यारी सी मुस्कान देकर चली गई। जब सोनिया हॉस्टल पहुंची तो पूरा दिन उनके दिमाग में यही सवाल चलता रहा कि क्या पहली ही नजर में ऐसा हो सकता है। फिर वो खुद से कहती हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर फिर उन्हें राजीव की मुस्कुराहट याद आ जाती है और वो खुद भी मुस्कुरा देती है। फिर एक दोस्त की तरह सोनिया राजीव से मिलती रही और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन सोनिया और राजीव रेस्टोरेंट में गए, यहां काफी वक्त तक बैठकर एक दूसरे को देखते रहे, कुछ कुछ बातें की और डांस भी किया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सोनिया बचपन में कमाल की डांसर थी और उन्होंने कई डांस कॉम्पिटिशन भी जीते थे। खैर, डांस करते करते 11 बज गए, सोनिया अपने साइकिल से नहीं आई थी, बारिश भी हो रही थी, तो राजीव ने तय किया कि वो सोनिया को घर तक पैदल ही छोड़कर आए। सुहाने मौसम में राजीव के साथ वॉक करते हुए सोनिया काफी खुश थी और राजीव ने भी मौका मिलते ही सोनिया को अपने दिल की बात बता दी और शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया। सोनिया ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। जुलाई 1965 में सोनिया गांधी को लेकर राजीव ने पहली बार अपनी मां इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सोनिया का जिक्र करते हुए लिखा कि माँ, आप मुझसे हमेशा यहां मिलने वाली लड़कियों के बारे में पूछती है ना, आज मैं आपको एक खास लड़की के बारे में बता रहा हूँ। ये वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहूंगा। जिसके जवाबी पत्र में इंदिरा ने ये लिखा, ये जरूरी नहीं कि जिस लड़की से आप भेंट करें वही आपके लिए सबसे बेहतर हो, मैं लंदन आकर मिलती हूँ। कुछ दिनों बाद राजीव ने जब सोनिया को इंदिरा गांधी से मिलने की बात बताई तो सोनिया डर गई, क्योंकि उन्होंने अपने घर वालों को अभी तक कुछ नहीं बताया था। मगर एक दिन हिम्मत करके सोनिया ने अपनी फैमिली को सब कुछ बता दिया। उसी साल राजीव कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंडियन एम्बेसी में एक रिसेप्शन पार्टी में जाने वाले थे, जहां इंदिरा गांधी भी आने वाली थी, इसलिए राजीव अपने साथ सोनिया को भी ले गए। गाड़ी से उतरकर सोनिया के पैर थर थर कांपने लगे। राजीव ने सोनिया को संभाला और अंदर ले गए, जहां सोनिया को देख इंदिरा गांधी समझ गई कि वो डरी हुई है, इसलिए उन्होंने सोनिया के साथ फ्रेंच लैंग्वेज में बात की ताकि वो बेहतर महसूस कर सके। हम दोनों फ्रेंच बोलते थे क्योंकि मेरी अंग्रेजी भाषा उस समय ख़राब थी, मैं अंग्रेजी जानती नहीं थी, और फिर मैं काफ़ी डरी हुई थी। जब उनको लगा कि मैं डरी हुई थी, उन्होंने मुझको कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ समय बाद राजीव भी सोनिया के परिवार से मिलने गए। परिवार के सभी सदस्यों ने राजीव को पसंद किया। हालांकि सोनिया के पिताजी उसे शादी करवा कर इतनी दूर भारत भेजने में सहमत नहीं थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनिया के पिता का नाम स्टीफनो माइनो था और वो एक फांसीवादी सैनिक थे। वर्ल्ड वॉर दो के दौरान वो जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे और रूस ने उन्हें बंदी बना लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब रूस ने उन्हें रिहा किया तो वो इटली आ गए और 60 के दशक में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हाथ आजमाया, जिसमें वो सफल भी हुए। सोनिया की माँ पाओलो माइनो एक हाउसवाइफ रहीं, वहीं उनकी दो बहनें जिनका नाम अनुष्का और नादिया है। 25 फरवरी 1968 की शाम 6 बजे दिल्ली में सफदरजंग रोड के उद्यान नंबर 1 में राजीव और सोनिया की शादी हुई। शादी में सोनिया ने सास इंदिरा की तरफ से भेंट की गई साड़ी पहनी थी। ये वही साड़ी थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा गांधी की शादी के लिए बुना था। इस तरह राजीव गांधी से शादी कर एडविज एंटोनिया अल्बिना माइनो बनी सोनिया गांधी। शादी के बाद राजीव ने पायलट के रूप में अपना करियर चुना, जिससे सोनिया काफी खुश थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो राजनीति में आए। आपातकाल का दौर पूरा होने के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई थी, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। तब इंदिरा अपने दोनों बेटों के साथ 12 बिलिंगटन क्रिसेंट बंगले में शिफ्ट हुई थी। ये काफी छोटा घर था और बताया जाता है कि इस घर में शिफ्ट होने के बाद सोनिया और इंदिरा एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। धीरे धीरे एक ऐसी रिश्ता बन गई इंदिरा जी और मेरे साथ। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था, मेरे लिए माँ जैसी थी और फ्रेंड भी थी। और धीरे धीरे मैं इंदिरा जी को इतनी करीब हुई कि बहुत सारी बातें थी जो मैं शायद अपनी माँ से शेयर नहीं करती थी, मैं इंदिरा जी के साथ कर सकती थी, शेयर कर सकती थी। 23 जून 1980 के दिन राजीव के छोटे भाई संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, जिससे इंदिरा गांधी पूरी तरह से टूट जाती हैं, क्योंकि राजनीति में संजय अपनी माँ इंदिरा का दाहिना हाथ थे। राजीव ने अपनी माँ को इतना दुखी कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। हालांकि सोनिया नहीं चाहती थी कि राजीव ऐसा करें, मगर उन्होंने अपने पति का साथ दिया और 16 फरवरी 1981 के दिन राजीव गांधी ने पॉलिटिक्स में कदम रखा, जिसके 2 साल बाद 1983 में सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिली। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आता 31 अक्टूबर 1984 का वो काला दिन जिसने गांधी परिवार को झकझोर कर रख दिया। दरअसल इसी दिन पीएम इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मी ही उन्हें गोलियों से छलनी कर देते हैं। उस वक्त वहां कोई एम्बुलेंस भी मौजूद नहीं थी, इसलिए रोते हुए सोनिया उन्हें एक एम्बेसडर कार में अस्पताल ले जाती हैं, जहां उनकी मौत हो जाती है। उस वक्त राजीव गांधी वेस्ट बंगाल में थे और जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो पार्टी मेंबर्स उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए कहते हैं, जो सुनकर सोनिया काफी जोरों से रोने लगती हैं और कहते हैं कि प्लीज आप पीएम मत बनिए, वो लोग माँ की तरह आपको भी मार देंगे। मगर राजीव कहते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है और वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। मगर उसके 7 सालों बाद 21 मई 1991 के दिन तमिलनाडु में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है, जिससे सोनिया बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। कहा जाता है कि जब 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई तब पाओलो माइनो ने सोनिया से फोन पर बात की और उन्हें भारत छोड़कर इटली लौटने के लिए कहा था, लेकिन सोनिया ने यह कहकर इटली जाने से इनकार कर दिया था कि अब वह खुद को भारतीय ही मानती हैं और वो यही रहना चाहती हैं। हालांकि राजनीति को लेकर सोनिया गांधी का डर अब और ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए प्रधानमंत्री बनने का ऑफर सोनिया एक झटके में रिजेक्ट कर देती हैं। उनके मना करने के बाद पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव को अपना नेता और भारत का प्रधानमंत्री चुना। मैंने इस ऑफर को डिक्लाइन किया था क्योंकि राजीव जी मेरे लिए सब कुछ थे और इस समय मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकती थी। वैसे राजनीति में आने के लिए मेरे दिलचस्पी कभी नहीं थी। मगर राजनीति में ना जाने का सोनिया का फैसला ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। 1996 में कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी, नरसिम्हा राव पर घोटाले के आरोप लगे थे और पुष्टि होने से पहले ही उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर राजनीतिक निर्वासन की ओर धकेल दिया गया।
तभी कांग्रेस नेताओं के चाचा कहे जाने वाले सीताराम केसरी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसे फैसले लिए कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ही उनके खिलाफ हो गए। यानी अब वो पार्टी टूट कर बिखर रही थी, जिसे गांधी परिवार ने कड़ी मुश्किलों का सामना करके खड़ा किया था। इसलिए सोनिया ने पार्टी का पूरा भार अपने कंधों पर लेने का फैसला किया और पार्टी की सदस्यता ले ली। अचानक आप पॉलिटिक्स में आ गए। वैसे उस समय जो ताकतें जिसके खिलाफ राजीव जी, पंडित जी और इंदिरा जी ने जिंदगी भर संघर्ष किया था, तो ये ताकतें मजबूत हो रहे थे। मैं ये नहीं देख पाए और मैंने उस समय अपना परिवार का धर्म को निभाने के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। साल 1998 आते आते सोनिया राजनीति को समझने लगी थी और उसी साल हुए आम चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर हार मिली। नतीजन सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी सोनिया गांधी। अगले साल हुए आम चुनाव में बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीता और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। कहा जाता है कि सोनिया को राजनीति सिखाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। दरअसल जून 2001 में भारत के एक प्रतिनिधि मंडल को अमेरिका जाना था। तभी अटल बिहारी वाजपेयी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर को उम्मीद थी कि इस दल का नेतृत्व वही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कार्य के लिए विपक्ष की नेता सोनिया गांधी को चुना। सोनिया ने भी इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्सेप्ट किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बात को पूरी मजबूती के साथ रखा, जिससे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला और अपनी राजनीतिक करियर पर कॉन्फिडेंस आया। एक बार सोनिया ने वाजपेयी जी की तारीफ करते हुए कहा था कि वो संसदीय परंपरा का सम्मान करते थे, लेकिन अब मौजूदा सरकार ने विपक्ष को किनारे लगा दिया है। अब संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री आए, भाजपा के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने पद की मर्यादा को कायम रखा है। आज श्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए राजीव जी की शहादत के 23 साल बाद जिस तरह निंदा की, उसे ओछा नहीं कहें तो क्या कहें। वही अटल जी के अलावा सोनिया के राजनीतिक करियर में उनके सलाहकार अहमद पटेल की भी बड़ी भूमिका है। इन्हीं कारणों से आने वाले सालों में राजनीति में सोनिया का कंध ऊंचा हुआ और 2004 में जब बीजेपी ने वक्त से पहले लोकसभा चुनाव करवाए तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस यूपीए गठबंधन ये चुनाव जीत गई। अब हर तरफ यही चर्चा हो रही थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनकर देश की कमान संभालेंगी। हालांकि उस वक्त सोनिया गांधी की नागरिकता और विदेशी मूल होने को लेकर खूब विवाद भी हुआ था। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज और उमा भारती ने कहा था कि अगर सोनिया प्रधानमंत्री बनती हैं तो वह आजीवन धरती पर सोएंगी और अपना सर मुड़वा लेंगी। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया, जिससे कांग्रेस नेताओं को भी बड़ा झटका लगा। नहीं, मैं पार आने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं थी। मैं राजनीति में आई हूँ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं राजनीति में आई हूँ लोगों की सेवा करने के लिए, सत्ता पाने के लिए नहीं। फिर साल 2009 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस सरकार बनी। हालांकि यूपीए के कार्यकाल में सामने आए कई घोटालों की वजह से 2014 में यूपीए की सरकार गिर गई और बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने अपनी सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। और अब सोनिया अपने बेटे राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए नजर आती है। सोनिया गांधी को जानने वाले बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी खामोशी है। राजनीति के सारे गुण उन्होंने इंदिरा से सीखे हैं। सोनिया को साड़ी पहनना पसंद है। सोनिया एक बेहतरीन कुक भी हैं। शादी के बाद वो अक्सर अपनी सास इंदिरा को इटालियन पास्ता बनाकर खिलाती थी। इटली में पली बड़ी सोनिया फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इंग्लिश और हिंदी समेत 9 भाषाएं बोलती हैं। 77 साल की सोनिया गांधी अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखती हैं। वो आज भी रोजाना योगा करती हैं और जंक फूड से दूरी बनाए रखती हैं। सोनिया को किताबें पढ़ने का भी शौक है और उन्हें मुंशी प्रेमचंद की किताबें काफी पसंद है। गोदान उनकी सबसे लोकप्रिय किताब है। सत्यजीत रॉय की पाथेय पंचाली वो पहली भारत फिल्म थी जिन्हें सोनिया ने राजीव के साथ देखा था। तो दोस्तों, अगर 2004 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद
ना ठुकराती तो आज केंद्र में उनकी सरकार हो सकती थी या कांग्रेस का जाना तो तय ही था। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और सियासी जगत से जुड़ी ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।